हल्द्वानी के उत्तरांचल कॉलोनी वार्ड के दमुआ ढूंगा में मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राइमरी स्कूल हरिपुर गंगू के पीछे दीप पाठक अवैध ढंग से मोबाइल टावर का निर्माण करवा रहे हैं। जिस स्थान पर मोबाइल टावर बनाया जा रहा है उसी के पास से हाई टेंशन बिजली की लाइन भी गुजर रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही लोगों ने मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन किरणों को भी खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि रेडिएशन की किरणें मनुष्य के अलावा जानवरों के लिए भी हानिकारक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीप पाठक की तरफ से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तरांचल कॉलोनी में रहने वाले लोग भयभीत हैं। इसको लेकर एकजुट हुए कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मोबाइल टावर के निर्माण कार्य को अगर रोका नहीं गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। भविष्य को बचाना है, भविष्य को बचाना है, मोबाइल टावर हटाओ। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में 20 से वहाँ से गई है, वो भी दिक्कत है। और रही बात ये पर्सनली गाली गलौज भी करते हैं, ये पहले भी ये टावर को हटाने का 2016 में हमने कोशिश की थी तो DM जो वो थे हमारे दीपक राव जी, उन्होंने इसमें हटा दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने फिर गलत परमिशन लेके पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। ठीक हो गया, फिर हमने 24 सितंबर को एक एप्लीकेशन लगाई थी वहाँ नगर निगम आयुक्त के सामने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम हटा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक जो नियम कानून कहता है, जो इसके रेडियंस आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पर आदमी को अलाउ किया जाता है, मगर यहाँ पर जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप भी नहीं है। और उससे मेन प्रॉब्लम ये है जो यहाँ पर हाई पावर जो ऊपर से 11,000 है उससे भी ज़्यादा हैवी लाइन जा रही है, उससे भी ज़्यादा लाइन की जो यहाँ पर लाइट की वो जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, उसकी डिस्टेंस तकरीबन 10 या 20 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है। तो इससे भविष्य में इसके नीचे इतनी आवाज़ आती है, जब थंडरिंग होती है यहाँ पे बादल गरजते हैं तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत होती है कि आदमी को यहाँ रहने, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको यहाँ से हटाया जाए। और जो काम होते हैं वो दिन के टाइम पर होना चाहिए, अगर इनके पास अगर कहीं से परमिशन है तो डे टाइम पर करें, रात को करने की ज़रूरत नहीं है।